मेरे पास ना हीलुक्स की ये डिस इन्फेक्ट वाली जो है, मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों पे इस तरह से लेती हूँ और मैं हाथों पे अच्छे से इसे रब करती हूँ और जो भी सामान बाहर से आता है इसे अच्छी तरह से इसे रगड़ रगड़ के सारे सामान के ऊपर ऐसे क्या करें, अभी यही हाल हो गया है सारे बिस्किट। और मेरी सॉफ्टी आज बताने वाली है, मेरे बाबू ने आज बहुत सारा पेंटिंग किया है, तो चलो बाबू दिखाओ। आज का ब्लॉग में 11:30 से स्टार्ट कर रही हूँ, चलो दिखाओ लल्ला। वेलकम टू कस्तूरी ड्रॉइंग वर्ल्ड। देखो मेरे बच्चे लोग कितना अच्छा लॉकडाउन का यूज कर रहे हैं। माय फर्स्ट ड्रॉइंग इज दिस, सो व्हाट इज दैट से? ये है मून। यहाँ पे मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी कि ये इधर मतलब ऐसे, ये ऊपर थोड़ा लाइट और ये नीचे थोड़ा, और ये है सन और ये ट्री, ये बोट और ये लैंड छोटा सा। वाओ, सेकंड ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग इज व्हाट इज दिस? आई थिंक दिस इज फ्रोजन। हाँ कस्तूरी, कनिष्का इसका नाम बताओ। फ्रोजन में ये क्या नाम था उसका? ओलफ। हाँ ओलफ है। ओलफ में मैंने बनाया था सिर्फ, पर फिर मैंने ड्राइंग। वाओ, गर्ल्स आर कूल। वाओ, ब्यूटीफुल ड्राइंग। वाओ, सो ब्यूटीफुल, लुक एट हियर, ये सन थोड़ा सा नीचे। सो नाइस। नेक्स्ट, ये मैं ट्रायल के लिए बनाती थी कि किसका वायर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। फिर सेकेंड वाले में मैंने वायर नहीं बनाया। नाइस। फिर थर्ड वाले में मैंने सेम बनाया, पर ये थोड़ा ट्री बनाया मैंने सन ऊपर। ओके, मैं ट्राई कर रही हूँ गैलेक्सी नीचे और यहाँ से शूटिंग स्टार्स, और ये मैं क्रिसमस ट्री बनाने का ट्राई करती हूँ। ये एक बना और ये तीन से नहीं हुआ, और ये थोड़ा नीचे नीचे का छोटे। वाओ नाइस। वाओ, ये गोल से रॉन्ग हो गया तो मैंने दूसरा बनाया। नाइस। वाओ वाओ, डोरेमोन एंड नोबिता, वाओ ब्यूटीफुल। खत्म। अच्छा, आज रात को क्या कर रहे हो फिर? दिन भर ड्राइंग करते हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छा यूज करते हैं अपना, है ना, टाइम यूटिलाइज करते हैं। स्कूल रहता है पूरा दिन भर, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो कनिष्का, व्हाट आर यू डूइंग? प्लेइंग गेम राइट नाउ। अभी मैंने इन दोनों को देखो सर पे चंपी किया है, दोनों को तेल लगाया मस्त सा, और अभी महाराज जी बाकी हैं तो महाराज जी को यहाँ पे सो रहे हैं, और हम लोग यहीं से सोते, मजा आता है, तो अभी तेल लगाऊंगी मैं। चलो फिर सर पे तेल लगाते हैं, और कल मॉर्निंग में मिलूंगी मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे से यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट के साथ। सो बोल द बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे फ्राइडे को। कल ब्लॉग आएगी हमारी, जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज का जो सुबह सुबह का नाश्ता है ना, सो मैं ब्रेड और ये बना रही हूँ ऑमलेट। तो आप देख सकते हैं ये सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है मैंने, और बस चलिए दूसरे ऑमलेट की तैयारी करती हूँ मैं। सो आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डालूंगी, और ये जो हमारे ऑमलेट का बैटर है अच्छे से फैला लीजिए। हम्म,
इंटरेस्टिंग ना, मेरे पास जो भी सामान था मैंने उसी में अपने बनाया, क्योंकि धनिया वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है और आज फ्राइडे है ना, तो सब साफ़ सफाई वगैरह भी चालू है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो इस तरह से पानी को मैंने स्टोर कर करके अपने बर्तनों में रखा हुआ है। चाय ऑलरेडी बना चुकी थी मैं, चाय वैसे तो पीती नहीं बट हस्बैंड जी और बच्चों को चाहिए तो इसलिए बनाया है मैंने। बाकी सारे काम हो चुके हैं मेरे, बट ये जो पानी का बर्तन आप देख रहे होंगे कुछ नहीं कर सकते अभी, टीएमसी वालों ने यहाँ पे पानी की भी कटौती कर दी है। देखिए मस्त एकदम इस तरह से आपका ऑमलेट भी रेडी हो जाएगा। ये आप लोगों का ब्रेकफास्ट भी आप ज़रूर शेयर करिए, थोड़ा बहुत तो टूटना ही है, कोई नहीं चलो। हाँ। तो ये बातें कर रही है और यहाँ देखो रोज सब्जी वाला आता है क्या? सुबह और शाम को, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो नीचे जाके सब लोग यहाँ से वेजिटेबल्स को परचेस करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड जी भी बाहर गए हैं तो यहाँ से परचेस करके लेकर आएंगे। ये हमारे घर के यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हो काफी अच्छा है ना, बट हम नीचे भी नहीं जा पा रहे डर के मारे, डर के आगे जीत है। यहाँ पे जो है ना थोड़े से सेट कर देती हूँ बाकी की चीज़ों को, और मैं ना नीचे यहाँ पे आराम से सोई थी और इन्हें भी उठा देती हूँ। कनिष्का कर रही है होमवर्क, और ये पापा के लैपटॉप पे सब मत रखो, गुस्सा करेंगे। पापा का है, पापा का है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है यार, बहुत सब कुछ मेसी मेसी सा है। अपने बालों को ना हेयर स्पा किया था तो अच्छे खासे इसमें ऑयल भी दिख रहा है, क्योंकि वो जो सीरम था ना उसमें ऑयल कंटेंट भी था। मुझे आज बहुत दिनों बाद मैंने अपने बालों की अच्छी खासी हेयर स्पा की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाल मेरे काफ़ी अच्छे और लंबे भी हो गए ना, तो मैं अपने बालों का बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ आजकल, ताकि मेरे बाल और भी अच्छे हो जाएं। वैसे तो अच्छे ठीक ठाक है अभी तो फिलहाल, पहले जैसे, और अभी तक मैंने कोई इयर रिंग्स वगैरह नहीं पहनी है। घर में रह के भी मुझे सर्दी हो जाती है देखो, कोल्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है अपना। फ्रेंड्स बस यही है लाइफ और कुछ कर नहीं सकते, सब लोग इसी टॉपिक पे है कि लॉकडाउन है तो क्या करें, लॉकडाउन है तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे, बट घर की पूरी चीज़ें है ना बहुत सारा ऐसा काम रहता है कि बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं अभी जस्ट सो के उठी और थोड़ी सी बस ये लिपस्टिक वगैरह लगा के आप लोगों के सामने आई हूँ। बाल देखो मेरे आज कैसे लग रहे हैं, एकदम अलग ही लग रही हूँ मैं आज तो एकदम से। चलिए ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल जो है ना जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं मुंबई के बिंदु पे भी डाल दूंगी। एक्चुअली वीडियो शूट करना था उसके लिए, बहुत ही अच्छा एक बहुत घरेलू नुस्खा जो मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बेस्ट है गाइस। सो उसे आज तो नहीं अपलोड करने वाली हूँ मैं कोई भी वीडियो, अभी से डायरेक्ट कल करूँगी, कल सैटरडे है ना। थोड़ा सा बालों को मैं अच्छे से अभी क्लीन कर लूँ और भी अच्छी तरह से, ये जो चिपचिपापन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बट यस एक टाइम है जो मैं आराम से अपने बालों पे तेल लगा के मैं रख देती हूँ, रात को तेल लगा के ही सोती हूँ मैं ज़्यादा करके, जैसे हफ्ते में 3 बार तो मेरा ऑयलिंग फिक्स होता है, अदरवाइज मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ते नहीं है, बोलते बिना तेल लगाए तो फिर जब से मेरी शादी होकर मैं यहाँ पर आई हूँ ना तब से वो खुद मेरी इतनी केयर करते हैं कि मतलब एक हफ्ते में 3 बार तो ऑयलिंग करना ज़रूरी है बालों का। पहले कैसा था ना कॉलेज और स्कूल लाइफ में, मैं तो अपने बालों को किसी को टच भी नहीं करने देती थी और ना कभी ऑयलिंग करती थी, मेरे बाल पहले से ही बहुत अच्छे थे। बट बोलते हैं ना बच्चे होने के बाद जो वो हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है ना, तब आपको अपने बालों की वैल्यू पता चलती है हेयर की। अरे यार टू मच हो जाता है, तब से तो मैंने मतलब बहुत केयर लेना स्टार्ट किया, पहले भी केयर करती थी लेकिन उसके बाद जो हाल होता है ना, ओ माय गॉड ये शैम्पू वो तेल, तब तो मैं इतना यूट्यूब पे भी इतना ये भी नहीं था मुझे, बट यस बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता थी पहले से वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर करती थी अपने हेयर को अच्छा रखने के लिए, बालों को कंडीशनिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैं करती थी कॉलेज से ही करती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हेयर ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए,
और बहुत लेजी लेजी सा दिन जा रहा है, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी ऐसा है ना, मन करता है कभी फिर वीडियो सोचती हूँ चलो बना लूँ यार, फिर नहीं मन करता एकदम से अंदर से ऐसा है, पता नहीं क्यों सर्दी है ना तो इसलिए मैं वापस से देखो इस तरह से अपना जो सर है ना उस तरह से ऐसा टिका लेती हूँ और आराम से सोचती हूँ, मतलब आराम से थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, अचानक से हो जा रहा है इसलिए मैं घर पे हूँ। मेरे हस्बैंड तो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, काम बढ़ गया है ना एक्चुअली, पानी का काम ज्यादा हो गया है मेरे लिए क्योंकि मेड नहीं है तो बर्तन घसना लादी पोछना, आप सोचो आप यार पांच पांच रूम दो दो बाथरूम साफ करना रोज डेली का, फिर बाल धोना ना, मतलब टू मच हो गया है मेरे लिए, इसके वजह से ना सर्दी जो है वो पकड़ ले रही है, मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी मेड को बुलाना घर में बहुत बड़ा रिस्क है, आप लोगों को भी पता है। सर से लेटे लेटे बात कर रही थी, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ओल्ड है ना वो, अंदर की तरफ ऐसा जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं यार बिल्कुल भी परेशान हो चुके हैं सबके सब, बच्चे भी कितना, उनकी पेंटिंग वगैरह काफी अच्छी है, चलो चल रहा है वो सब कर रहे हैं दोनों। चलिए थोड़ा हस्बैंड जी गए बाहर थोड़ा सामान लाने के लिए, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए अभी, और क्या बनाऊँ, चाय तो ये लोग पियेंगे, चाय बना देती हूँ सबसे पहले। और वीडियो आपको कैसी लगती ना ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे तो मैं बहुत ब्लॉगिंग वगैरह भी करती थी मुंबई कर बिंदु पे, बट वहाँ पे अब मैंने ब्लॉगिंग समटाइम्स मैं कभी कभी डालूंगी बहुत अच्छी अगर मैं कर ली तो, अदरवाइज मेरी ये जो है ना मीन्स बिंदु शर्मा ये ब्लॉग चैनल, यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। चलो आंटी जी भी आज मास्क लगा के यहाँ पे रहती हैं थर्ड फ्लोर पे, आंटी जी मास्क लगा के जाके सब्जियाँ ले रही हैं वहाँ पे, बड़ा अजीब सा लगता है लोगों को मास्क में देखना, लेकिन क्या करें यार ये कैसी बीमारी भयानक निकल गई है ना, कि ना अभी तक इसका कोई इलाज है तो घर में ही रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना यही एक सबसे बड़ा सोल्यूशन, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और लोगों से अब तो लोग बम हो चुके हैं आप समझ जाओ यार आप समझ सकते हैं। देखिए मेरे पेड़ कितने प्यारे प्यारे पौधे, मेरे यहाँ पे एलोवेरा लगा रखा है, यहाँ पे मेरे ये गुलाब के पौधे हैं मेरे दोनों, और भगवान जी को भी तो मैंने वही चढ़ाया हुआ है। बातें करने का आप लोगों से बहुत सारा मन करता है तो बस क्या करूँ यार यही नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं शेड्यूल ऐसा हो गया ना घर का कि हम घर में और बाहर हम काम करके ना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं ना कि अकेली हो गई हूँ ना एकदम से, तो कैमरा ये वो सब पकड़ना यार, पर ब्लॉग करती हूँ करूँगी, मेरी ललिता हमेशा चाहती है कि ब्लॉग करो ताकि तुम इतने दिन क्या कर रहे हो घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ललिता को देखा मीन्स ललिता के चैनल पे अपने आप को देखा तो ऐसा लगा कि अरे यार ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, और वो सारी चीज़ें भी पसंद है मुझे ब्यूटी से रिलेटेड एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो ज़रूर आगे ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी मैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपको आगे, बाय। तो यहाँ पे मुंबई कर बिंदु पे बना रही हूँ वीडियो, जरूर देखना। और ये देखो मेरे हस्बैंड जी जंग लड़ के आ गए, जंग लड़ना मतलब ये सामान लेकर आना, ये बहुत बड़ा यू नो आप लोगों को पता नहीं क्या चीज है। चलिए फिर लेकर गए अभी वो, मतलब अभी मैं जाऊंगी सैनिटाइज करूंगी अच्छी तरह से हैंड, फिर उसके बाद पूरा अच्छे से उसे बेकिंग सोडा नहीं तो अपना प्रील होता है डीन से इन्फेक्ट करने वाली चीजें होती है ना, तो अच्छे से क्लीन करने के लिए फिर उसके बाद उसे अंदर रखूंगी। कितना परेशान हो चुके हैं हम लोग। अच्छा डोर बंद कर दो। चलो ये वाली वीडियो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना मुंबई कर बिंदु पे। चाय यहाँ पे रखा है कस्तूरी, हे भगवान मैं रोज चक्कर भूल जाती हूँ। ये देखो ये सोप पहले लगा के अच्छे से हैंड वॉश से हर एक चीज से, ये पैक है ना फिर भी इसको धोना है अच्छे से। इसको धो लेते हैं।